हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी ट्रेनिंग वीडियोस में केवल उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं जिनको पहले प्रैक्टिकली अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता हूं और टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद वो मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड CEO मेटास ओवरसीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, एज अ बिजनेसमैन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि सभी इंडस्ट्रीज में जब बिजनेसमैन से मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर बिजनेसमैन बिजनेस को डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और जिसके लिए वो हमेशा फोकस करते हैं कि वो मार्केटिंग करें, वो सेल्स करें, वो प्रमोशन करें, एडवर्टीजमेंट करें, ब्रांडिंग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल वो डेवलप कर पाएँ। लेकिन इस पहलू को जब मैंने ध्यान से देखा और समझा तो मुझे पता चला कि उनका फोकस हमेशा नए ग्राहक को ढूंढने में लगा रहता है। वो हमेशा फोकस करते हैं कि किस तरह से नए ग्राहक हमारी कंपनी में आ जाएं, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें या हमसे सर्विसेज लें। फ्रेंड्स, अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री और अपनी सेल को ग्रो करने के लिए एडवर्टीजमेंट से लेकर जितने भी मेथड्स हम लगाते हैं उसमें हमेशा हमारा फोकस रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्राहक हमारी कंपनी के साथ जुड़ें, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें या हमारी सर्विसेज को लें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करके भी बहुत अधिक सेल ग्रैब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हाउ टू गेट रिपीट ऑर्डर फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट सो दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस विद अ सिस्टमेटिक वे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट योर क्लाइंट फील अ वाव फैक्टर। अब ये वाव फैक्टर क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नियर टू क्लोज हो जाता है। लेकिन उस प्रोडक्ट और सर्विस के देने के बाद कुछ समय बाद जब आप कोई एडिशनल चीज़, एडिशनल वर्क, एडिशनल सर्विस उस कस्टमर के लिए करते हैं तो उस कस्टमर को एक वाव फैक्टर फील होता है। और ये वाव फैक्टर किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे सर्विसेज या प्रोडक्ट की डिलीवरी होने के बाद आपने कभी कोई ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया, कभी आपने कोई वेलकम नोट भेज दिया, कभी आपने कोई बुके भेज दिया या कभी आपने कोई एक ऐसा गिफ्ट भेज दिया जो कंज्यूमर को लगे कि अरे ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन में था ही नहीं कि वाव, आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी विद देयर प्रोडक्ट एंड देयर सर्विसेज। नेक्स्ट, आस्क फॉर फीडबैक। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के बाद हर व्यक्ति का एक रिव्यू होता है। जब आप अपने कस्टमर से उसका फीडबैक लेते हैं तो उसको ये महसूस होता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस मैंने खरीदी है उससे संबंधित मेरे मन में क्या विचार हैं, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब आप वो फीडबैक अपने कस्टमर से लेते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। नंबर वन, आपके कंज्यूमर की क्रेडिबिलिटी आपके ब्रांड पर और अधिक बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपको ये पता लग जाता है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या कमी है या मेरी सर्विस में क्या क्या कमी है और आप उसको आसानी से इम्प्रूव करके अपने कंज्यूमर से रेफरेंसेस मांग सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, इंटरेक्ट विद योर कस्टमर ऑन अ फ्रेंडली बेसिस। आज बहुत सारी कंपनीज इस बात को समझती हैं कि जब आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में आएगा तो उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी आपके ब्रांड के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको लगेगा कि ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरा अपना है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी सुनवाई ठीक से होगी, अगर मैं कोई सजेशन देना चाहूँ तो वो सुना जाएगा, अगर मैं किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कहूँ तो वो इम्प्रूवमेंट होगी और मेरी जरूरत पड़ने पर वो क्लाइंट हमेशा मेरे साथ है, वो कंपनी हमेशा मेरे साथ है। फ्रेंड, जब फ्रेंडली नेचर के इस मेथड को हमने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया तो आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारी सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मतलब वो कंज्यूमर, वो क्लाइंट एक अच्छे रिलेशनशिप बॉन्डिंग में आ गया और उसकी वजह से हमारा बिजनेस तेज़ी से ग्रो होने लगा। फ्रेंड्स, डिस्काउंट तो बहुत सारी कंपनीज देती हैं और वो डिस्काउंट तो एक ओपन डिस्काउंट होता है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, समर बोनांजा, सेंड एडिशनल डिस्काउंट कोड टू योर लॉयल कस्टमर। फ्रेंड्स, आज बहुत सारी कंपनीज ओपन स्कीम्स निकालती हैं कि 20% कैशबैक, 15% कैशबैक, 50% कैशबैक, 100% कैशबैक। इसके अलावा वो कई बार ऑफर करती हैं। ये सभी तरह के विज्ञापन केवल एक ही बात को दर्शाते हैं कि वो डिस्काउंट सभी के लिए है, चाहे राम हो या श्याम, गोपाल हो या मोहन, कोई भी आके उस डिस्काउंट को ले सकता है। लेकिन जब आप अपने कंज्यूमर को एक स्पेशल लॉयल्टी डिस्काउंट देते हैं कि हम ये डिस्काउंट केवल उन्हीं को देते हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो उसको भी आपके साथ एक बॉन्डिंग फील होती है जिसकी वजह से वो रीपरचेज करने के लिए भी तैयार होता है और लोगों को भी रिकमेंड करता है कि यदि हमने एक बार इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीद लिया तो भविष्य में हमारे लिए
बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आएंगी जिसका बेनिफिट हम हमेशा ले सकते हैं। इसीलिए अपनी इंडस्ट्री में इस फार्मूले का इस्तेमाल भी आप जरूर करें। और जिस दिन से हमने अपनी इंडस्ट्री में इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो कंज्यूमर की हमारे ब्रांड के प्रति रॉयल्टी तो बढ़ी ही, लेकिन उसका रिकमेंडेशन भी बढ़ गया और कस्टमर भी हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑर्डर देने लगा। फील योर कंज्यूमर लाइक अ किंग। अपने ग्राहक को एक किंग होने का एहसास आप कराएं। जिस दिन आप ये सिस्टम समझ जाएंगे तो आपके कंज्यूमर को हमेशा आपके पास आने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने अपनी इंडस्ट्री में किया। जैसे ही कंज्यूमर हमारे शोरूम में एंटर करता है तो हमारी टीम उसका वेलकम करती है और उसको प्रॉपर एक एक प्रोडक्ट दिखाने के बाद वी ऑफर देम अ टी, वी ऑफर देम अ कॉफी एंड वी आस्क कि सर क्या लेना पसंद करेंगे। अगर लंच का समय है तो क्या आप लंच लेंगे, डिनर का समय है तो क्या आप डिनर करेंगे। टी एंड कॉफी तो बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं। विश्वास मानिए, जिस दिन से हमने लंच एंड डिनर ऑफर करना शुरू किया उस दिन से हमारी कस्टमर के साथ बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। और देखा जाए तो आउट ऑफ 1000 ऑफ द क्लाइंट 5 से 7 क्लाइंट ऐसे हुए जिनके साथ हमने लंच या डिनर किया, लेकिन उसके बाद जो हमारी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनी उन्होंने हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑर्डर दिए ही दिए। साथ ही साथ वो हमारी कंपनी के ब्रांड प्रमोटर बन गए। उन्होंने जहां तक प्रयास हुआ हर स्थान पर हमें एडवर्टाइज किया और हमारे बारे में लोगों को रिकमेंड किया। उनके रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर तो आए आए, उनके रिलेशन में उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स और मिले। Use redirect marketing system in your company. आज social media के माध्यम से हम बहुत तेजी से अपनी information को consumer तक पहुंचा सकते हैं। एक बार यदि कोई consumer आपकी information को देख ले तो उसके पास regular information जानी चाहिए। आपका bulk mail पहुंचना चाहिए, आपका SMS पहुंचना चाहिए, आपके telecaller की call पहुंचनी चाहिए। लेकिन इनको भेजते समय आप ये ध्यान रखें कि कहीं आपका क्लाइंट इरिटेट ना हो, इसीलिए उसको बर्थडे पर भी विश करें, उसको न्यू ईयर पर भी विश करें। जहाँ तक प्रयास हो उसके साथ एक गुड बॉन्डिंग के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करें, ताकि एक बार जब वो कंज्यूमर डील हो जाए तो वो क्रेडिबिलिटी के साथ निरंतर आपके साथ काम करना शुरू करे और आपको हमेशा रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते रहें। फ्रेंड, जो फार्मूले अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये वो फार्मूले हैं जिनको प्रैक्टिकली मेटास लाइफस्टाइल के सभी शोरूम्स में हमने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से हमारी सेल का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा और न केवल सेल का बल्कि एक्सपेंशन का ग्राफ भी बढ़ने लगा। क्योंकि जब हमारा एक फ्रेंचाइजी शोरूम अच्छा पैसा कमाता है, फ्रेंचाइजी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने बिजनेस सर्कल में लोगों को रेकमेंड करता है, जिसकी वजह से आज संपूर्ण भारतवर्ष में हमने बहुत सारे शोरूम डेवलप कर दिए और ये स्पीड निरंतर इसी वजह से बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको केवल वही फार्मूले बताता हूँ जिनको प्रैक्टिकली अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसीलिए प्रत्येक फार्मूले को डायरी में नोट करें, उस पर निरंतर प्रयास करें और प्रगति की ओर अग्रसर रहें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स या कुछ ऐसे अनुभव हैं जिससे आपने अपने बिजनेस को डेवलप किया, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर उनको ज़रूर बताएं, ताकि वो लोग जो इन सुझावों के अलावा और नई चीज़ें जानना चाहते हैं वो आपके कमेंट्स को पढ़ें, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।